हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह उठते के साथ साथ ना मैं उठी भी नहीं थी, मम्मा ला के खीरा दे दी, बोलती पहले कुछ खा लो उसके बाद ही तुम उठना। और फिर मैं खीरा वगैरह खा के फ्रेश फ्रेश हो गई और फिर मम्मा पूजा कर रही थी तब तक मैं इधर खाना बना ली। तो आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, मैं इतने सारे पार्सल्स बनाई हूँ ना कि मुझे पता ही नहीं है कि इसमें है क्या। तो मतलब जीन्स है, बट कौन सा जीन्स है ये मुझे नहीं पता। मैं 4-5 जीन्स ऑर्डर की हूँ, तो चलो इसको खोल के देखते हैं। एंड दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा, क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। यू नो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहता है बट क्वालिटी टॉप नॉच। अरे भाई, जीन्स का क्वालिटी अच्छा देना था, पैकिंग का नहीं। बढ़िया है? नहीं है, बहुत बढ़िया है। मतलब बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया है भाई। ये सब जीन्स सच्चे बता रही हूँ, अगर ना मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए, लाइक मेरा कोई अगर बॉयफ्रेंड फ्यूचर होगा या फिर जो भी, तो ना उसे कोई मुझसे पूछे, वो बोले भाई मुझे ड्रेस गिफ्ट करो, मुझे ड्रेस गिफ्ट करो, मुझे स्किन केयर का प्रोडक्ट गिफ्ट करो मुझे, और फिर उससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसे, बस मुझे ये सब। लेकिन मुझे ये सब देते देते वो बिक जाएगा। मैं कुछ नहीं रिटर्न करने वाली, ठीक है, कुछ भी नहीं। ये दोनों ही मेरा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा ड्रेस आया है। अगर ये हाल रहा ना, मैं कुछ दिन में रोड पे आ जाऊंगी, सच बता रही। और अभी मेरा 2 जींस आने वाला है, सॉरी 3 जींस आने वाला है, 1 टॉप आने वाला है। मैं नहा के आ गई तेरे खाना खाने के लिए। ये गर्मी के दिन में अपना हेयर को कॉम करना ना एक अलग ही झंझट है भाई, इसीलिए मैं छोटा छोटा हेयर रखती थी। पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा है लंबे हेयर। पता है मैं ना खरगोश को बहुत तंग किया करती हूँ, ले करके झूला झुलाना ये वो ब्लाबला, तो उसे नहीं पसंद है। लेकिन मम्मा पापा ना इसको तंग नहीं करते, इसलिए ये लोग के पास ना बहुत अच्छे से रहती है, बट मेरे पास ये लोग अच्छे से नहीं रहता है, हमेशा भागता रहता है। सो गाइस, अभी होने वाला है बहुत मस्त वाला चैलेंज वीडियो, तो अभी मैं उसी का सामान लेने के लिए जा रही हूँ। मौसम कितना सुंदर है, देखो सुंदर है। तो देखिए ये पत्ता, प्यालो बाबू लोग प्यालो चलू, इसको तो हाथ ही तुरंत। चैलेंज होने से पहले ना मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ था, मुझे वेट नहीं किया गया, तो ना मैगी रखा हुआ था, तो मैं एक मैगी में ना थोड़ा सा पास्ता मिला दी, क्योंकि एक मैगी से क्या ही होगा मेरा। और ये देखो, ये है पत्ता, कल है वट सावित्री पूजा, उसके लिए पहले से ही पत्ता तोड़ के रख ली थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सब पत्ता खोजते हैं ना, इसलिए। तो पापा बोल रहे थे कि और ज़्यादा क्यों नहीं लाया, तो भैया बोलते थे तोड़ना मुश्किल हो रहा था। इस चीज़ वाला मैगी लग रहा है ना, मतलब थोड़ा सा क्रीमी कलर आया है वो, इसलिए क्योंकि मैं दूध डालती हूँ लास्ट में, बहुत टेस्टी लगता है। आज चैलेंज होने वाला है थोड़ा यूनिक, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। नहीं पूरा निकालना है, इसको निकाल देती हूँ। देखो यहाँ पे ना कुरकुरे है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, एंड ये रहा 500 रुपीज, ये रहा चिट, ठीक है। सबको एक एक उठाना है, जिसमें से जो निकलेगा उसको वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो चलो मिर्ची भी निकाल लेते हैं, चलो तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। पहले कौन चूज करेगा? ना सबसे पहले निशान चूज करो। चलो छोटा से
आइसक्रीम, इसको आइसक्रीम मिल गया। मिर्ची किसको? हो गया, हो गया। मिर्ची मैं चूज करो। इसको मिला है मिर्ची। ये रहा चिल्ली। खाओ भैया खाओ। पिज़्ज़ा सूटा पिज़्ज़ा। जो लड़का सब्जी नहीं खाता वो मिर्ची खाता। मिर्ची। वाह। मैं चढ़ता हूँ। ये थर्ड राउंड है, ठीक है? मिर्ची को भी साइड कर देती हूँ। लो चूज करो निहार, चूज करो। हाँ। आग बंद करो, आग बंद करो, आग बंद करो। हाँ चलो चूज करो, लो चूज करो, चूज करो। तू आग बंद करके चूज करना है। कुरकुरे देख सकते हैं। लो कुरकुरे पकड़ो। भाई तुमने सच में मुर्गी खा लिया? क्यों बोला जाए? आग बंद कर। चॉकलेट। इसका चॉकलेट निकला। चॉकलेट मन करो था खाने का, मिल गया चॉकलेट फ्री का। और कुछ चाहिए? मुझे सबसे मेरा पैसा मेरे पास वापस आ गया। ये लौट के बुद्धू घर को आए। ये देखो रुपीस 500 मेरे को मिल गया। ये जीत गई, मजा आया। बाय। और फिर ना जल्दी जल्दी रोटी बना करके मैं छत पे जाने वाली थी, क्योंकि छत पे आजकल इतना अच्छा हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है, इसलिए ठंडा ठंडा हवा चलता है। ये रोटी बनाने का झंझट, हे भगवान प्लीज़ कोई ऊपर से भेज दो ना रोटी बनाने के लिए। बट एक बात नहीं समझ आता है, ठंडे में ठंडा ही ज़्यादा लगता है, गर्मी में गर्मी ही ज़्यादा लगता है। तो मतलब मेरे को रोटी बनाने का मन कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे घर में सब्जी बना था कद्दू का तो मैं खाई नहीं थी, और आंटी घर में बना था छोला भटूरा, तो वो खुद बोली कि छोला भटूरा बना हुआ है तो खाने के लिए आ जाइएगा। एंड आई वॉज लाइक भाई मेरे लिए ही बना था क्या? क्योंकि कद्दू का सब्जी बना था और भूख लगा हुआ था मेरे को, मैं खा नहीं पा रही थी, सोची भूखे सोना पड़ेगा, बट छोला भटूरा बना हुआ था तो मैं खाई। देखो मेरा घर में कद्दू सब्जी बना है तो मैं आ गई इसके घर खाना खाने के लिए। लेके आओ। मैं सबसे छोटा, मेरे को बोलो खाएगा कि नहीं। इसमें इसमें क्या होगा मेरा? खाओ ले ना, फिर दोबारा खाओ ना। कैसा बना है? कैसा बना है? एकदम टेस्टी लग रहा है कि हाँ छोला भटूरा खा रहे हैं। अच्छा खाना खाने के बाद ना क्रेविंग भी बहुत होता है, बहुत टेस्टी छोला भटूरा। I'm gonna finish this, but not in a video. कल मुझे उठना है 2:30 बजे, कल बरसाती पूजा है। अभी कह दो गुड नाइट, फिट ड्रीम, बाय बाय। सोने से पहले ना मुझे एक अद्भुत सा दृश्य देखने को मिला, तो मैं सोची कि रिकॉर्ड कर लूँ। देखो कितने प्यार से बैठा हुआ है यार, अभी जाऊँगी तो ये उठ के भाग जाएगा। ओके गाइज गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है?